भाई साहब इसमें बहुत वजन है भाई साहब, इसमें 30-35 किलो वजन है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं शिव पांडे और सभी का स्वागत है कौन नए धमकदार ब्लॉग में। और भाई साहब आज सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, आज सुबह से मैं ऐसे वेला बैठा था, नहीं वेला तो नहीं बैठा था, काम कर रहा था दिन भर। लेकिन आप सभी के लिए मैंने शूट नहीं किया ब्लॉग, तो अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ खेत पे और ब्लॉग शूट करने के लिए। आपको एक्टिविटी डेली मैं दिखाता हूँ, मेरी एक्टिविटी लाइफ स्टाइल एक्टिविटीज़। तो आज मैं मतलब शूट नहीं कर पाया पूरे दिन भर, तो लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कुछ खास काम के लिए आया हूँ खेत पे, तो आप सभी को दिखाऊंगा कि क्या करता हूँ मैं और क्या बनाता हूँ मैं स्पेशल सिर्फ आपके लिए। तो सबसे पहले लेते हैं अपन कुल्हाड़ी। जो मेरी कुल्हाड़ी है ये वाली कुल्हाड़ी मैं डेली अपने साथ रखता हूँ, लेकिन इससे ही सब कुछ होगा आज, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है भाई साहब। तो चलो इस कुल्हाड़ी को हम सेट करते हैं अपने बड़े सारे डंपस बनाने के लिए। जो मैंने वो काटा था ना वृक्ष, छोटा सा वृक्ष, ये वृक्ष काटा था मैंने ये वाला, तो इसको अपन यूज़ करेंगे मेरे डंपल्स बनाने के लिए। तो फिलहाल इसको काट लेते हैं और फिर बाद में डंपल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले कटिंग की शुरुआत होती है इधर से, इधर से काटेंगे फिर बाद में उधर से काटेंगे, दोनों को काट के फिर बनाएंगे डंपल्स। चलो क्या पूछ रहा है मेरे, गाइस इसको काटने में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि ये बहुत कड़क है भाई साहब, मेरे पसीने छूट गए, मतलब इसको काटने में इतनी तकलीफ हो रही है मेरे को। तो अब काटते हैं इसको बहुत ही अलग स्टाइल से, पुराने बुज़ुर्ग काटते थे ना उस स्टाइल से इसको काटते हैं। एक तो ऐसे मारना है और एक ऐसे मारना है, मतलब तिरछा लेके जाना है वी आकार में, इससे जल्दी कटता है। जैसे गोली आई वैसे इसका टुकड़ा आया, कट गया, थोड़ा सा रहा बाकी। पूरे जड़ को मैंने काट लिया है, अब इसके दो हिस्से करेंगे। दो हिस्से करने के बाद में एक लकड़ी लेंगे सीधी, उस पर इन दोनों को बांध कर फिर उनसे मतलब वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे पास वजन कम वाले डंप पल तो, लेकिन ज़्यादा वजन वाले नहीं है, तो ये मैं जुगाड़ बना रहा हूँ, देसी जुगाड़। तो चलो दोनों काट के देखते हैं कैसा सेट होता है। अब इसको ऊँचाना है मेरे को, बोरे बहुत वजन है इसमें, इतना भारी वजन है, बहुत वजन है इसमें। ऐसे लेना पड़ेगा मेरे को, भाई साहब इसमें बहुत वजन है भाई साहब, उच्च नहीं रहा बराबर, बाप रे, कहाँ अब तक लेके जाना है, वहाँ तक लेके जाना है, बाप रे बहुत वजन है, कम से कम इसमें 30 किलो वजन है गाइस, 30 किलो वजन। आह डाल दिया मैंने नीचे, भाई साहब बहुत गर्म है, बॉडी बनेगी इससे बहुत ज़बरदस्त। डंबल को मैंने दो हिस्सों में काट दिया है बराबर, अब चाहिए एक लकड़ी, सीधी लकड़ी, उसके तरफ दोनों को बांध कर फिर बाद में इनको ऊंचाने का प्रोसेस चालू होगा। तो ये रही लकड़ी, अपने बांस की लकड़ी, इसको अपन जितना चाहिए उतना काट लेंगे फिर इनके ऊपर डंबल सेट करेंगे। तो गाइस लकड़ी लेके आ गया हूँ, बांधने के लिए दो रस्सियाँ लेके आ गया हूँ और इससे कोई काम नहीं चल रहा है, लड़ाई कोई काम नहीं, अब काम है सिर्फ रस्सियों का और इसका, दोनों को बांध के फिर तैयार करते हैं डंपल्स। बहुत वजन है इनमें, वजन का तो अपार है।
गाइस हमारे डंबल्स बिल्कुल तैयार है, रेडी हैं, और अब आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, बस लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरे डंबल्स, कितनी मेहनत लगी भाई साहब इनमें। मेरे को 3 घंटे पूरे हो गए इस वीडियो को शूट करने में और इन डंबल को बनाने में। वीडियोज भी शूट कर रहा हूँ साथ में साथ में और डंबल्स भी बना रहा हूँ। तो अब आपको दिखाने की बारी आ चुकी है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे बनाए डंबल्स मैंने। कैसे लगे? बेहतरीन है ना? तो चलो इससे वर्कआउट करते हैं। ओके, आपको दिखाता हूँ कैसी वर्कआउट होती है। अब करते हैं इनसे वर्कआउट, देखते हैं कितना वजन है इसमें। भाई साहब इसमें 30-35 किलो वजन है। इतना वजन है इसमें भाई साहब, बाप रे, 30-35 किलो या 40 किलो वजन भी हो सकता है इसमें। बहुत जड़ है ये। अब इसको पूरा ऊपर लेके जाता हूँ मैं ऊपर। नहीं होगा, नहीं होगा, बहुत भारी है। तो फिलहाल गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो पूरी वीडियो को पूरा देखना और आगे की वीडियो सारे वीडियो देखना मेरे, ठीक है? और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो के लिए टेक केयर।